गौहर महल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड पर बड़ी झील के किनारे है। ये तीन आंगन वाला महल है। इसके पहले हिस्से में दीवाने आम था, जिसमें आम लोगों की बातें सुनी जाती थी। दूसरा हिस्सा दीवाने खास था, जिसमें शहर के खास ओहदे वाले लोगों को ही इजाजत के बाद आने की अनुमति थी। तीसरा हिस्सा बेहद सामान्य है। अभी महल के इन हिस्सों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया। यह वास्तुकला का खूबसूरत नमूना कुत्सिया बेगम के जमाने का है। जानकारों के अनुसार कुत्सिया बेगम का कमरा इतना खास था कि नक्काशी के साथ ही साथ इसकी दीवारों पर एक चमकीला पदार्थ भी लगाया गया था। बेगम अक्सर लाइट्स बंद करके कमरे में मोमबत्तियां जलवाती थी। मोमबत्तियों की रोशनी और चमकीले पदार्थ की वजह से यह कमरा अंधेरे में भी चमक उठता। इस तीन मंजिले इमारत का निर्माण भोपाल राज्य की तत्कालीन शासिका नवाब कुत्सिया बेगम ने 1820 में कराया था। ये देखिए लकड़ी पे कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। उस जमाने की कलाकारी यहाँ दर्शाई गई है। इसके पीछे की तरफ कभी एक गुफा भी थी, जो 45 किलोमीटर दूर रायसेन किले में जाकर मिलती थी। कहा जाता है कि इसी खुफिया रास्ते से कुत्सिया बेगम किले के अंदर आया करती थी। Thank you.
सन 1819 से 1837 उनका शासन था। गौहर महल 4.65 एकड़ में फैला है। कुत्सिया बेगम का नाम गौहर भी था, इसीलिए इस महल को गौहर महल के नाम से जाना जाता है। गौहर महल की दीवारों पर लकड़ी के नक्काशीदार खंभे और मेहराबे हैं। खंभों पर आकृतियां और फूल पत्तियां भी बनी हुई हैं। ये महल भोपाल रियासत का पहला महल है। इस महल की खासियत यह है कि इसकी सजावट इस्लामिक वास्तुकला को दर्शाती है और ये महल मुगल कला का अद्भुत उदाहरण है। महल के ऊपर के हिस्से में एक ऐसा कमरा है जिससे पूरे शहर का नज़ारा दिखता है
और इसके दरवाजों पर कांच से नक्काशी की गई है। अंदरूनी हिस्से में बेगम का कमरा था, जिसकी खिड़कियों से बड़े तालाब का नज़ारा दिखाई देता था। गौहर महल के अंदर के हिस्से में फव्वारे थे, जो आज की तारीख में नष्ट हो गए हैं। फव्वारों की हौज अभी भी है। इस महल में दीवाने आम और दीवाने खास है।